हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड के पावर कपल्स में शुमार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की खबरों को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है। उनके फैंस हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले लंबे वक्त से इंतजार कर रही हैं कि अब रणबीर आलिया को रालिया, जो कि उनको हैशटैग दिया गया है, ये हो जाना चाहिए, यानी कि दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि नीतू कपूर भी रणबीर कपूर पर प्रेशर बना चुकी हैं कि भाई अब आलिया को बहू के तौर पर घर पर ले आओ। लेकिन फिर बीच में खबरें आई कि दोनों एक्टर्स चाहते हैं कि वो साथ में पहले ऑन स्क्रीन दिख जाएं, यानी कि किसी फिल्म में नजर आ जाएं, उसके बाद ये दोनों शादी करेंगे। उसके बाद फिर ब्रह्मास्त्र का ऐलान हो गया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट बार बार अटक रही है, लेकिन फिर बीच में खबरें ये आई थी कि नीतू सिंह ने ऐलान कर दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था रणबीर को कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज के तुरंत बाद आप आलिया से शादी कर लोगे। अब खबर ये मिल रही है कि दोनों ने अपना वेन्यू तलाशना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में खबर आई कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जोधपुर पहुंचे और यहाँ पर वो वेन्यू तलाश रहे हैं। खबर मिल रही है कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और यहाँ पर उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद भवन पैलेस और जोधपुर के आसपास की जगहों को देखा है, समझा है, परखा है, बातचीत की है उनके ओनर से, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में गुड न्यूज़ मिल सकती है कि रणबीर और आलिया भट्ट की जो शादी का वेन्यू है वो डिसाइड हो गया है। खैर, आपको ये बता दें, फिलहाल दोनों जवाई रिसोर्ट में रुके हुए हैं और इस वक्त वहां पर इंजॉय कर रही हैं। ये तो एक तरफा खबरें आई हैं कि दोनों अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के वेन्यू को देखने के लिए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि खबरें हैं कि रणबीर कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों गए हैं। यानी आप ये समझ लीजिए, एक पंथ दो काज, या फिर वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, गए हैं बर्थडे मनाने के लिए। मीडिया में यही खबरें आई हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, लेकिन अंदर के गलियारों से खबरें ये हैं कि अपना वेन्यू भी डिसाइड ये दोनों कर वापस आ सकते हैं। तो लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अक्सर ये खबरें आती हैं कि अब सगाई कर लेंगे, अब शादी कर लेंगे, प्रेशर है घर वालों का, लेकिन डंके की चोट पर दोनों एक्टर्स में से कोई बात नहीं करता। एक बार हाँ जरूर रणबीर कपूर ने कहा था कि मैं शादी कर लेता आलिया से अगर कोरोना ना आया होता तो। अब चूंकि हालात भी सामान्य दिख रही हैं, दोनों की फिल्म भी जल्द ही रिलीज होने वाली है, सारी चीजें नॉर्मल दिख रही हैं, तो फिर नेकी और पूछ पूछ ये वाली बात है कि हो सकता है जल्द से जल्द ये दोनों ऐलान कर दें अपनी शादी का। आप बताइए, दोनों की शादी देखने के लिए, दोनों को एक साथ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं?